हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ एक शीट मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज पॉन्ड्स विटामिन डुओ शीट मास्क। आप लोगों को पता है, रिसेंटली ही मैंने इस शीट मास्क को परचेज किया था। इसका अनदर वेरिएंट भी परचेज किया था पॉन्ड्स ने। अभी रिसेंटली अपने ये वाले जो विटामिन डुओ शीट मास्क है रिसेंटली लॉन्च किए हैं। मैंने अपने नायका के हॉल वीडियो में आप लोगों से शेयर किए थे। सो इसमें से एक तो ये वाला वेरिएंट है विच इज़ फॉर स्किन ब्राइटनिंग। यू कैन सी दिस इज विटामिन सी प्लस पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट 15x मॉइस्चराइजिंग सीरम के साथ ही आपको मिलता है। सो इट लुक्स वेरी डिलीशियस, पैकेजिंग इज सो गुड। का जो प्राइस है दैट इज 75 rupees। काफ़ी ज़्यादा ठीक है प्राइस इसका, बहुत ज़्यादा नहीं है। आई नो इट्स फॉर वन टाइम, बट इसका जो एक्सेस सीरम है उसको आप थोड़ा सा सेव करके दोबारा से यूज़ कर सकते हो। लाइक इसको आप दो बार यूज़ कर सकते हो अगर आप ऐसे करना चाहो तो। इसमें जो शीट मास्क है उसकी जो पैकेजिंग आपको कुछ मिलती है, कुछ इस तरह की आपको पैकेजिंग मिलती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग है इसकी, और इसके ऊपर जो मेंशन किया है पहले मैं आपको वो रीड करके बता देती हूँ। दिस इज पॉन्ड्स विटामिन डुओ शीट मास्क फॉर ब्राइटनिंग विद 100% नेचुरल पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट्स, अल्कोहल फ्री एंड पैराबिन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, 100% बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक है इसका। सो दैट्स गुड कि आप अर्थ को भी या फिर आप नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और विटामिन सी प्लस पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट फॉर क्लियर ग्लोइंग स्किन, 15 times मोर इसमें मॉइस्चराइजिंग सीरम है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ इन्होंने, लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और बाकी इस पे लिखा है कि कंबाइनिंग द पावर ऑफ विटामिन सी एंड नेचुरल पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट टू सुपर बूस्ट ईच अदर हेल्प्स टू गिव यू अ ब्राइटर ग्लोइंग स्किन। सो विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, आपकी जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है उसको कम करने में, उसको घटाने में हेल्प करता है, जिसके साथ क्या होता है डार्क स्पॉट्स जो है वो प्रिवेंट होते हैं, एक्सफोलिएट करता है डल स्किन को और आपको ब्राइटर लुकिंग स्किन मिलती है। पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, नॉन टू मेक डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने मार्क्स लेस विजिबल, वो भी आपके फेड आउट करने में, फेड अवे करने में आपकी हेल्प करता है। हाउ टू यूज़, बहुत ही सिंपली आपको इसको यूज़ करना है, क्लेंज योर फेस विद अ फेस वॉश। अभी मैंने जस्ट फेस वॉश किया है, उसके बाद आपने किसी भी तरह से इसको मतलब जो इसमें से अनफोल्ड करके प्रॉपर इसका पैकेट टियर करके आपने अपना शीट मास्क निकालना है और इसको अप्लाई करना है। फिर हम देखते हैं इसका रिजल्ट इंस्टेंट कैसे आता है। बाकी क्या है, शीट मास्क जो है आपको प्रॉबली मैं आपको यही बोलूँगी कि रात को सोने से पहले आप शीट मास्क अप्लाई कीजिए, जब अपना फेस वॉश कर लीजिए, वन एंड डन आप इसके साथ कर सकते हो। लाइक आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने शीट मास्क अप्लाई करना है आप इसको हफ्ते में एक बार या दो बार अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, और जस्ट फेस वॉश कीजिए अपने किसी भी फेवरेट फेस वॉश के साथ, उसके बाद अपना शीट मास्क अप्लाई कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद शीट मास्क अप्लाई करने के बाद आपको फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जितना आपकी स्किन के ऊपर सीरम है वो रात तो रात जो पेनिट्रेट होगा स्किन में और भी ज़्यादा आपको डबल इफेक्ट देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको यूज करके देख लेते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है दैट इज 25 ml, और यहाँ पे आपको इजीली, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से टियर करने के लिए आपको इजीली उन्होंने दिया हुआ कि आप आराम से इसको निकाल सकते हैं शीट मास्क को। ओके, जैसे कि मुझे लग ही रहा था इसका बहुत हैवी पैकेट था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यू कैन सी सीरम इसमें है, अभी बहुत ज़्यादा सीरम है। तो अगर आप चाहो, जैसे मैंने बोला, आप पूरी बॉडी के ऊपर भी इस सीरम को अप्लाई कर सकते हो इंस्टेंटली, या तो आप इसको डबल टाइम यूज़ कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, कई बार मैं क्या करती हूँ, मैं शीट मास्क या तो फिर वो जो होते हैं कैप्सूल्स होते हैं ना, उसको शीट मास्क में डालो तो वो बड़े हो जाते हैं, नहीं तो मैं इसी शीट मास्क को वॉश करके रख लेती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं कैसे इसको डिटॉल में वॉश कर लेती हूँ, इसको सुखा लेती हूँ, दोबारा से इसी शीट मास्क में लगा के 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख के फिर दोबारा इसको यूज़ कर लेती हूँ। आप इजीली इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यू कैन सी कुछ इस तरह की शीट मास्क है इसमें, और इसमें बहुत सारा सीरम है, और फ्रेगरेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, फ्रूटी सी विटामिन सी की जैसे फ्रेगरेंस होती है बिल्कुल वैसे है इसकी। शीट मास्क बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका, जो शीट है इसकी बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छे से शीट मास्क अप्लाई कर लिया, अब मैं बोलूँगी नहीं तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ है, और 20 मिनट्स तक मैं इसको अप्लाई करके रखूँगी, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे एंड फिर हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट। ओके सर, नाउ मेरे जो शीट मास्क को लगाए हुए 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। यू कैन सी मतलब बहुत कम ही सीरम इसमें रह गया, जब पहले लगाया था तो कितना ज़्यादा लग रहा था। सो इट्स वेरी हाइड्रेटिंग,
आई एम ग्लैड कि इसमें एक्स्ट्रा पावरिंग फ्रेग्रेंस नहीं है विटामिन सी के नाम से, जो 20 मिनट्स अगर किसी शीट मास्क को अप्लाई करके रखना है तो वो हमें हेडेक ना देके जाए, सो दैट्स वेरी गुड। और हल्की सी फ्रेग्रेंस है, ये नहीं कि बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस फिर भी है इसमें। ओके, सो इसको हल्का सा पेनेट्रेट करेंगे अपनी स्किन में, जिसके साथ जो सीरम है अच्छे से एब्जॉर्ब हो और ये सारा दिन या सारी रात अपनी स्किन में काम करे। शीट मास्क हमेशा अच्छी से जो स्किन क्लेंज्ड होती है ना, क्लीन स्किन के ऊपर बेसिकली आपने शीट मास्क अप्लाई करना है। कभी आपने शीट मास्क गंदी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको आधा घंटा हो चुका है फेस वॉश किए, बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली विद हाउस वाइफ्स की, उनको आधा घंटा हो गया फेस वॉश किए हुए, किसी कारण उनको लाइक टाइम लग गया शीट मास्क अप्लाई करने में, लेकिन आपने इंस्टेंटली स्किन को क्लीन करना है, वॉश करना है, दोबारा से ठंडे पानी से वॉश कीजिए, दोबारा फेस वॉश मत यूज़ कीजिए, लेकिन शीट मास्क अप्लाई करने से पहले आपने अच्छे से फेस वॉश करना है, उसके बाद अपने फेस को आप टोनर अप्लाई कीजिए अगर आप रात के टाइम पे कर रहे हो, देन अपना शीट मास्क अप्लाई कीजिए, 20 to 25 मिनट्स तक अप्लाई करके रखिए, उसके बाद आराम से अपना सो जाइए। बिकॉज ये मॉइस्चराइजेशन भी आपको दे रहा है, ये सीरम का काम कर रहा है आपकी स्किन में, और इसमें जो विटामिन सी है, जो पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट्स है, वो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देंगे। तो आई वुड प्रेफर कि इसको आप रात को ही अप्लाई करना, जिसके साथ आप दिन में बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं आपको, इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई काम ना करना पड़े, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद सिर्फ आप रिलैक्स करो और अच्छे से 10-12 घंटे जब ये आपकी स्किन के ऊपर लगा रहेगा तो ये आपको ज़्यादा इफेक्ट देगा। तो कोई भी शीट मास्क हो उसको रात के ही टाइम पे अप्लाई कीजिए, ना कि उसको दिन के टाइम पे। ओके, सो जो मेरी स्किन के ऊपर मुझे फील हो रहा है कि मेरी स्किन एक्स्ट्रा स्मूथ मुझे लग रही है, विच मीन्स कि अगर आपको बहुत जल्दी है मेकअप लगाने से पहले आपके पास 20 to 25 मिनट्स है, ठीक है, आप कोई सामान निकाल रहे हो, अपना अपने कपड़े निकाल रहे हो, अपनी ज्वेलरी निकाल रहे हो, इफ़ इन केस, तो आप शीट मास्क भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए, ये एक वन एंड डन वाली चीज़ हो जाती है कि आप सिर्फ शीट मास्क अप्लाई करो फेस वॉश करने के बाद, उतने टाइम में जब तक आपका शीट मास्क आपकी स्किन के ऊपर है 20 to 25 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स तो आप रखो ही ना, इससे कम तो मैं नहीं बोलूँगी आपको। तो उसके बाद आप अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करो, फिर अपना डायरेक्टली आप अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्सेस आपकी स्किन के ऊपर सीरम है, कोई टिश्यू लेके, ठीक है, इसको हल्का सा वाइप ऑफ कर लीजिए, ऐसा उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज जो ये हल्का सा स्टिकीनेस जो रहती है ना, ये हल्का सा स्टिक हो रही है, तो ये तो वैसे तो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और भी ज़्यादा। यू कैन सी अभी मेरी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है, विच इज़ सो गुड, इट्स वेरी सेटिस्फैक्ट्री आई वुड से। तो उसको आप हल्का सा वाइप ऑफ कर सकते हैं अगर आपको एक्सेस लगता है, अदरवाइज उसी के ऊपर आप प्राइमर अप्लाई करो। बस आपने क्या करना है, टोनर, जो मॉइस्चराइजर, जो सीरम, ये आप 3 स्टेप्स को भूल जाइए करने में, ठीक है, मेकअप में जब हम करते हैं CTM, सिर्फ क्लेंज कीजिए, टोनिंग मॉइस्चराइजिंग मत कीजिए, ठीक है, डायरेक्टली शीट मास्क अप्लाई कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। प्राइमर अप्लाई करो, फाउंडेशन अप्लाई करो, अपना फाउंडेशन वगैरह लगा, सिर्फ अपना मेकअप करो, जो मेकअप के बाकी स्टेप्स है फॉलो करो, उसके बाद आपका यू आर गुड टू गो बेसिकली, ठीक है, आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ते। तो शीट मास्क का बेसिकली जो मेन कारण होता है कि इसके साथ आपको इंस्टेंटली मॉइस्चराइजेशन मिलती है, स्किन आपकी ब्राइटन अप हो जाती है। ये एक फेशियल की जैसे भी आप इसको ले सकते हो। लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अगर, ठीक है, आप किसी का बहुत तरह से शीट मास्क को अप्लाई कर सकते हो। आप फेस वॉश कीजिए, क्लेंस कीजिए स्किन को, उसके बाद टोनर अप्लाई कीजिए, स्क्रब कीजिए, एक्सफोलिएट कर लीजिए, चाहे वो किसी भी एक्सफोलिएशन के बाद, अगर आप केमिकल एक्सफोलिएट भी करते हो अपनी स्किन को, उसके बाद भी आप शीट मास्क को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इसमें इंटेंस मॉइस्चराइजेशन जो आपको ये देता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आफ्टर एक्सफोलिएशन। तो फर्स्टली हो गया, अगर आपको हफ्ते में बस एक दो बार वैसे रिलैक्स करना, अपनी स्किन को पैम्पर करना है आपने, तो आप शीट मास्क अप्लाई कर सकते हो रात को सोने से पहले, आप मेकअप करने से पहले शीट मास्क को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने अपनी शीट मास्क को अप्लाई करना है जब आपने केमिकल एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, लाइक अगर आपने यू नो फेशियल जैसा आपने करना है स्किन घर पे अभी, बिकॉज ऑफ
हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है इसकी वजह से अगर आपको नहीं लग रहा कि आप सलोन में जाके कोई बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं ले पा रहे हो अपनी स्किन के लिए, तो आप घर में बस फेस वॉश कीजिए, केमिकल एक्सफोलिएट कीजिए अपनी स्किन को, या स्क्रब कीजिए, एक्सफोलिएट कीजिए, जैसे भी आप प्रेफर करते हो उस तरह से। उसके बाद आप डायरेक्टली शीट मास्क अप्लाई कर लीजिए। कोई भी आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन ऐसे एकदम से क्लीन एंड ग्लोइंग बन जाएगी। यू कैन सी जो हमारे एक्ने मार्क्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो आपकी जाते जाते टाइम लेते हैं, वो इतनी जल्दी आपकी स्किन से नहीं जाते हैं। दैट्स सो ट्रू, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि इंस्टेंटली मैजिक नहीं हो जाता है। ये है कि शीट मास्क अगर आप, जैसे कि अगर मुझे ये काफ़ी पसंद आया, लाइक सो फार सो गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको लगाने के बाद, मेरी स्किन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मुझे चिपचिपापन नहीं लग रहा है, मुझे हैवी नहीं लग रहा है बेसिकली, और इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। सो 75 rupees इसका प्राइस पॉइंट भी काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं इसको हफ्ते में दो बार भी लगा लूँ तो दैट वुड बी इनफ फॉर मी। तो यही बोलूँगी, अगर आप शीट मास्क अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको सही टाइम पे अप्लाई कीजिए और एटलीस्ट 20-25 minutes उसको अप्लाई करके रखिए। उसके बाद आपने फेस वॉश नहीं करना है। अगर आप मेरे जैसे हो जिसको बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता रहता है, चाहे कोई सीरम हो कुछ भी अप्लाई करने के बाद, लाइक उसको लगता है कि हाई मैंने क्या लगा लिया, लाइक अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि मुझे फेस वॉश करना है दिन में, अगर जैसे बेसिकली अभी जैसे मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो अभी फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या गर्मी में बहुत ज़्यादा भयंकर वाले में, मैं तो 3-4 बार फेस वॉश करती हूँ, ठीक है, तो मेरे से नहीं रहा जाता फेस वॉश किए बिना। तो मैं रात को प्रेफर करती हूँ इस शीट मास्क को अप्लाई करना, कोई भी शीट मास्क को अप्लाई करना बेसिकली। एंड मुझे ये शीट मास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है बिकॉज मेरी स्किन जो है ग्लो तो कर ही रही है, उसी के साथ काफ़ी नीट एंड क्लीन सी लुक मुझे मिली है इसके साथ। एंड स्किन के ऊपर काफ़ी लाइट वेट है ये सीरम, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रही है स्किन मेरी। यू कैन सी ठीक है, तो आप अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंगली अपना शीट मास्क पिक कर सकते हो। मुझे ये शीट मास्क की बात करूँ, पॉन्ड्स का ये वाला डुओ शीट मास्क, विटामिन डुओ शीट मास्क फॉर स्किन ब्राइटनिंग विद विटामिन सी एंड पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, हाईली रिकमेंड करूँगी किसी को भी। अगर किसी को भी स्किन ब्राइटनिंग के लिए कुछ चाहिए, आपको अच्छे से CTM रूटीन फॉलो करनी है, तो आप इस वाले शीट मास्क को ट्राई कर सकते हो। हफ्ते में दो बार इसको लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्लेंस कीजिए, टोन कीजिए स्किन को, शीट मास्क लगाइए, यू आर गुड टू गो। चाहे वो आप मेकअप से पहले कर लीजिए, चाहे एक्सफोलिएट करने के बाद अप्लाई कीजिए, शीट मास्क को अप्लाई कीजिए, फेस वॉश उसके बाद नहीं करना है। हल्का सा एक्सेस लगता है थोड़ा सा रिमूव कर लीजिए, और जो इसके बीच में जो ये मास्क है, जो शीट है इसकी, उसको आप वॉश कर सकते हो हल्का सा, डेटॉल में वॉश करके। जो इसका सीरम है उसको कांच की बॉटल में स्टोर कर लो फ्रिज में, इसको दोबारा से फिर यूज़ कर लो। आप इसको भी दो बार यूज़ कर सकते हो हफ्ते में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। सो आई रियली लाइक जैसे इसने मेरी स्किन के ऊपर ग्लो दिया है, मेरी स्किन अभी ग्लो कर रही है बेसिकली, यू कैन सी, और बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही है, विच इज़ सो गुड बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी दिन के टाइम में ही अपना शीट मास्क मैंने अप्लाई किया, यू कैन सी, ठीक है, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी होती है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मेरी स्किन हेल्दी लुकिंग स्किन मेरी लग रही है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, और मुझे ये शीट मास्क बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको मैं बोलूँ, अगर आपको ये शीट मास्क ट्राई करना है तो आप रिकमेंड करूँगी मैं आपको, अगर आपको ट्राई करना है तो ये ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इट्स फॉर स्किन ब्राइटनिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज गर्मी की वजह से, इस मौसम की वजह से, स्वेटिंग की वजह से स्किन बहुत जल्दी काली होनी शुरू हो जाती है। सो मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम करने में भी विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई मैं आपको बोलूँ कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए आप शीट मास्क को इसको ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक, क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी कोई भी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।